हाय वेलकम टू कोड फाइंड, वेलकम एक्सपर्ट इन द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज। और यहां पर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 278 जो कि है फर्स्ट बैड वर्जन। एक इजी लेवल डिफिकल्ट एक क्वेश्चन है, अपवर्ड्स काफी ज्यादा है, डाउनवर्ड्स भी उसके आधे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैनेजर हो एक कंपनी के और आप लीड कर रहे हो एक टीम को जो डेवलप कर रहा है एक न्यू प्रोडक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है वहां पे कि जो लेटेस्ट वर्जन है उस प्रोडक्ट के वो फेल कर रहे हैं आपके क्वालिटी चेक को, मतलब क्वालिटी चेक वो प्रोडक्ट पास नहीं कर पा रहा। और क्योंकि जो वर्जन हैं, जो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन वहां पे उस प्रोडक्ट के निकलते जा रहे हैं वो बेस्ड हैं आपके प्रीवियस वर्जन के ऊपर, तो ऑल द वर्जन आफ्टर अ बैड वर्जन आर ऑल्सो बैड। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक यहाँ पर आपको एक वो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज आपको एक प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट वर्जन इसका गुड था, सेकेंड वर्जन भी गुड था, थर्ड वर्जन भी गुड था, क्योंकि ये जो वर्जन है पिछले वाले वर्जन पे बेस्ड है। यहाँ पे इसका वर्जन सपोज ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.3 है, तो जो जो ये 1.3 है ये 1.2 पे बेस्ड है, तो ये सारे गुड है, ठीक है। लेकिन बीच में एक वर्जन ऐसा आया जो कि यहाँ पे बैड हो गया, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे पिछले वालों पे बेस्ड है लेकिन बीच में एक ऐसा वर्जन आया जो यहाँ पे बैड वर्जन था। अब इसके बाद वाले जितने भी वर्जन हैं वो सारे यहाँ पे बैड वर्जन हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बोला हुआ है सपोज यू हैव एन वर्जन, आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट में आपको यहाँ पे एन दिया हुआ है कि आपके आपको आपके पास यहाँ पे कितने वर्जन हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मेरे पास यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 10 है, मेरे पास यहाँ पे 10 वर्जन हैं। एंड यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वन, आपको यहाँ पे फर्स्ट बैड वन निकालना है जिसके बाद से आपके सारे बैड वर्जन स्टार्ट हुए। तो कौन से वर्जन से आपके यहाँ पे बैड वर्जन स्टार्ट हुए हैं, आपको फर्स्ट बैड वर्जन निकालना है, ठीक है। यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वन विच कॉजेज ऑल द फॉलोइंग वंस टू बी बैड। ये आप निकालोगे कैसे, इसके लिए हमें यहाँ पर एक एपीआई दी हुई है जो कि है इस बैड वर्जन, जो कि यहाँ पे बुलियन वैल्यू को रिटर्न कर रही है, मतलब या तो ये ट्रू को रिटर्न कर रहा है या फिर ये फॉल्स को रिटर्न कर रहा है। अगर बैड वर्जन है तो ये ट्रू को रिटर्न करेगा, अगर बैड वर्जन नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स को, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे ये काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो n की वैल्यू आपको यहाँ पे 5 दी हुई है, मतलब आपके पास यहाँ पे 5 वर्जन हैं और जो बैड वर्जन है वो यहाँ पे 4 है। बैड वर्जन आपको नहीं दिया हुआ, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ पे n दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है बैड वर्जन। अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि बैड वर्जन यहाँ पे 4th था, तो आप यहाँ पे देखो इस बैड वर्जन इन्होंने यहाँ पे 3 के साथ कॉल किया तो फॉल्स आया क्योंकि बैड वर्जन 4 से स्टार्ट हो रहा है, और जब इसको 4 और 5 से यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे ट्रू आया है क्योंकि 4 से आपका यहाँ पे बैड वर्जन स्टार्ट हुआ है। तो आपको ये निकालना है कि बैड वर्जन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बैड वर्जन आपका यहाँ पे 4 से स्टार्ट हुआ है। जैसे अपने केस में अगर आप यहाँ पे अपना केस देखो तो ये आपका यहाँ पे वर्जन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5, तो वर्जन 1.5 जो है हमारा वो यहाँ पे फर्स्ट बैड वर्जन है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, आप अगर यहाँ पे देखो ना तो लिस्ट आपकी सॉर्टेड है। हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्वेश्चन किया था रोटेटेड सॉर्टेड एरे, ठीक है। रोटेटेड सॉर्टेड एरे के नाम से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था लीड कोड का, काफी पहले किया था वाला क्वेश्चन हमने, ठीक है। आपको इस प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएगा। उसमें क्या था कि अगर आपको यहाँ पे एक सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है और जो एरे है वो यहाँ पे रोटेट हो गया है 2 पोजिशन, तो जो ये आपका 7 और 6 है, 7 और 6 और 1, 2, 3, 4 एंड 5, आपको यहाँ पे ये एरे जो है इनपुट में वो आपको ऐसे दिया हुआ है। ये ओरिजिनल एरे था, ठीक है, ओरिजिनल एरे ऐसे था लेकिन आपको जो दिया हुआ था उसमें वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया हुआ था जो जो कि इनपुट में आपको ये गिवन था। यहाँ पे आपको बस इतना दिया हुआ है कि एरे यहाँ पे कितनी पोजिशन रोटेट हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 पोजिशन एरे यहाँ पे रोटेट हुआ है, तो जो 7 है वो आपका यहाँ पे फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। 7 आपका यहाँ पे फ्रंट में आया तो ये यहाँ पे 7 आ गया, उसके बाद ये सभी पोजिशन आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर 6 आपका यहाँ पे फ्रंट में आएगा तो यहाँ पे आगा आपका 6 आ गया, तो 6 और 7 और 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आपका रोटेटेड था। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालना था, फाइंड द मैक्सिमम इन द रोटेटेड सॉर्टेड एरे, मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पे निकालना था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये पूरी एक लिस्ट देखो ना, ये पूरी लिस्ट सॉर्टेड है। सॉर्टेड कैसे है, अगर आप यहाँ पे इसको लो ले लो और इसको आप यहाँ पे हाई ले लो, मैं यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा हुआ है, और यहाँ पे आप इसको मिड ले लो, मिड से लेके आप अगर यहाँ पे हाई तक की लिस्ट देखो
तो ये लिस्ट आपकी पूरी सॉर्टेड है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। मिड से लेके हाई तक की पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पे सॉर्टेड है, 2, 3, 4, 5, ये पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पे सॉर्टेड है। अगर ये 2, 3, 4, 5 लिस्ट आपकी यहाँ पे सॉर्टेड है, मतलब भसड़ कहाँ पे, भसड़ जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट में है, क्योंकि सेकेंड हाफ तो अभी भी सॉर्टेड है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट को आप यहाँ पे डिस्कार्ड कर दोगे और हाई को आप यहाँ पे मूव कर दोगे अपने मिड के पास। इसके बाद क्या किया, हाई को आपने यहाँ पे मिड पे मूव कर दिया, इसके बाद आपने यहाँ पे मिड निकाला, तो 7 यहाँ पे आपका मिड आ गया। अब आप यहाँ पे ये चेक कर रहे थे इस क्वेश्चन में कि आपका जो मिड एलिमेंट है क्या वो छोटा है आपके हाई से, क्योंकि अगर जो आपकी लिस्ट यहाँ पे अगर सपोज आपकी सॉर्टेड है तो कोई भी ये वाला नंबर हो वो आपके हाई से छोटा ही होगा, अनलेस अनलेस यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है ठीक है जो आपके हाई से यहाँ पे छोटा ही नहीं है। जैसे 8 है, 8 और 4 को अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो इसका मतलब साफ ये है कि ये जो यहाँ पे वाला पार्ट है यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। सेम यही वाला क्वेश्चन इसी तरह वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे पास यहाँ पे सर फॉल्स चल रहा है ठीक है, मेरे पास यहाँ पे फॉल्स चल रहा है कि इस बैड वर्जन बिल्कुल भी नहीं, इस बैड वर्जन नहीं फॉल्स है, इस बैड वर्जन फॉल्स है, इस बैड वर्जन फॉल्स है, इस बैड वर्जन फॉल्स, इस बैड वर्जन फॉल्स, इस बैड वर्जन ट्रू, इस बैड वर्जन ट्रू। तो आप यहाँ पे देखो लिस्ट आपकी सॉर्टेड है, यहां तक आपकी लिस्ट सॉर्टेड है, उसके बाद यहां से यहां तक आपकी लिस्ट सॉर्टेड है। तो अगर आप इसको अपना लो मान लो और इसको आप अपना हाई मान लो और इसको सपोज यहाँ पे कहीं पे आप अपना यहाँ पे मिड मान लो ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे लो से लेके मिड तक सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे सेम है, मतलब ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ पे सॉर्टेड हैं सारे, जो भसड़ है वो सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट में, तो इसको आप यहीं से डिस्कार्ड कर दोगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है ठीक है। तो आपने क्या किया, लो को आपने मूव कर दिया हाई प्लस वन पे, मिड प्लस वन पे सॉरी ठीक है। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे मिड को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका यहाँ पे मिड आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो एलिमेंट एट मिड है ठीक है, मतलब वो तो मैंने बहुत एक वेग टर्म में समझाया था कि ये पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पे सॉर्टेड है, सारे यहाँ पे फॉल्स 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 हैं, बट आप यहाँ पे एक एक एलिमेंट को चेक नहीं करोगे कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो पूरी लिस्ट फॉल्स है, ऐसे नहीं। आपको जो एलिमेंट एट मिड है उसको चेक करना है। आप यहाँ पे चेक करोगे जो एलिमेंट एट मिड है क्या वो यहाँ पे ट्रू है या फिर वो यहाँ पे फॉल्स है, ये यहाँ पे इस टाइम पे ट्रू है। अगर ये एलिमेंट आपका यहाँ पे इस टाइम पे ट्रू है, मतलब इसका क्या है कि जो भसड़ है वो इससे पहले वाली लिस्ट में, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे और हाई को आप मूव कर दोगे यहाँ पर मिड के पास। अब हाई और लो के साथ आप दोबारा से मिड निकालोगे, ये मिड आएगा ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ये मिड आएगा उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो एलिमेंट एट मिड है क्या वो एक बैड वर्जन है, ये यहाँ पे ट्रू है जो कि एक बैड वर्जन है, बिल्कुल सही है। तो उस केस में आप यहाँ पे हाई को मूव कर दोगे फिर से मिड पे। लो और हाई का आप यहाँ पे मिड निकालोगे तो जो मिड आएगा वो यहाँ पे इस केस में ये आएगा, जो आपका लो और मिड है वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, क्या ये एक बैड वर्जन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लो को मूव करोगे मिड प्लस वन पे, ये आपका यहाँ पे लो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो हाई है और आपका जो लो है वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो वाइल लूप होता है जो हम बाइनरी सर्च के केस में लगाते हैं वो यहाँ पे इस केस में ब्रेक हो जाएगा ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, एक बार कोड लिख लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा और मैं फिर से समझा दूंगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बाइनरी सर्च यहाँ पे लगेगा। बाइनरी सर्च में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो होता है आपका यहाँ पे लेफ्ट ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पे राइट। राइट सपोज यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब अगर जनरली हम यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे एरे दिया हुआ होता है ठीक है, क्योंकि हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस बाइनरी सर्च के साथ किए हैं वो एरे के साथ किए हैं। तो एक एरे यहाँ पे गिवन होता है, एरे का लास्ट एलिमेंट हम यहाँ पे निकालते हैं तो एरे डॉट लेंथ माइनस वन निकलता है। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि 5 ही एलिमेंट है ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एरे हो सकता है, 5 एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को इससे असाइन कर दिया। फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ जब तक आपका जो लेफ्ट है वो आपके राइट से बड़ा नहीं हो जाता, मतलब जब तक आपका लेफ्ट यहाँ पे छोटा है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, जैसे ही लेफ्ट आपका इक्वल होगा राइट के या बड़ा होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा था कि हमारा जो लेफ्ट और राइट था वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे, उस टाइम हमारा यहाँ पे जो वाइल लूप है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ था। मिड निकालना है मेरे को यहाँ पे, मिड निकालने की जो कंडीशन है, हम यहाँ पे ऐसे मिड क्यों निकालते हैं ये मैं काफी क्वेश्चंस में अपने समझा चुका हूँ। तो राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे सिंपल 2 कर रहा हूँ ठीक है। इंटीजर ओवरफ्लो की कंडीशन यहाँ पे होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे मिड ऐसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाय 2 इंस्टेड ऑफ राइट प्लस लेफ्ट डिवाइड बाय 2। हम डायरेक्टली राइट प्लस लेफ्ट डिवाइड बाय 2 नहीं करते,
क्योंकि वो जो कंडीशन होती है वो इंटीजर ओवरफ्लो कंडीशन होती है। मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि आपको यहाँ पे इस बैड वर्जन को आपके मिड एलिमेंट के साथ चेक करना है, तो यहाँ पे आपको इफ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करना है इस बैड वर्जन, जो कि एक इंटीजर को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर हम अपना मिड डाल सकते हैं। अगर ये एक बैड वर्जन है, अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, अगर यहाँ पे मैं आपको फिर से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक बार मैं अगर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पे फॉल्स ही फॉल्स है और फिर मेरे पास सपोज यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट है और ये मेरा यहाँ पे राइट है, सबका मिड निकालना है, 3 और 3 6 और 4, ये यहाँ पे सपोज मिड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट एट मिड चेक कर रहा हूँ, क्या एलिमेंट एट मिड मेरा यहाँ पे आपका वो है क्या कहते हैं एक बैड वर्जन है, नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो कंडीशन होगी इफ वाली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इट बैड इस बैड वर्जन ने मेरे को यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है, तो ये आपके एल्स में जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, बेसिक है बिल्कुल। जब ये आपका यहाँ पे एल्स में गया तो एल्स केस में आपको यहाँ पे क्या काम करना है, अगर ये आपका यहाँ पे बैड वर्जन नहीं है तो लो को आपको आगे बढ़ाना है और इसको आपको डाल देना है मिड प्लस वन पे, लो को आपको आगे बढ़ाना है और इसको डाल देना है मिड प्लस वन पे, तो लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन, ठीक है, लो को हमने आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपका यहाँ पे मिड कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब इस केस में ये आपका लो है, ये आपका राइट है, फिर से आपका यहाँ पे मिड कैलकुलेट होगा, तो मिड आपका इस केस में ये आएगा, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, सेकंड एलिमेंट आपका मिड आएगा, ठीक है, तो मिड आपका यहाँ पे ये निकल गया। अब आप यहाँ पे चेक करोगे इट इज बैड वर्जन मिड, मिड में आपका यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है, ये यहाँ पे ट्रू आएगा, तो अगर ये यहाँ पे मिड में आपका यहाँ पे ट्रू आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका राइट है मतलब जो आपका यहाँ पे हाई है, हाई को आपको यहाँ पे मूव कर देना है अपने मिड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है उस केस में आपको अपने हाई में डाल देना है मिड को, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे राइट ही लिया हुआ है नाइस, तो राइट मैंने यहाँ पे मिड को डाल दिया, ठीक है। अरे मैं यहाँ पे लो की ले रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट आएगा, तभी मैं लो के साथ हाई को लेके कंफ्यूज हो रहा था कि हाँ हाई बोल रहा हूँ मैं बार बार, बट एक्चुअल मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिया है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर से यहाँ पे चेक होगा लो, अब मेरे पास ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अब मेरे पास यहाँ पे अब ये वाला एलिमेंट है और मेरे पास यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है, ये मेरा लो है, ये मेरा यहाँ पे हाई है, लो और हाई के साथ यहाँ पे मिड कैलकुलेट होगा, मिड यहाँ पे ये आएगा, मिड के साथ हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे क्या यहाँ पे एक बैड वर्जन है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, तो उस केस में ये एल्स में जाएगा, लेफ्ट को हम यहाँ पे डाल रहे हैं मिड प्लस वन पे, तो लेफ्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे मिड प्लस वन पे, हाई भी आपका इसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, लो भी आपका इसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो इस केस में ये वाली जो आपकी कंडीशन है ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, लूप आपका यहाँ पे इस केस में ब्रेक हो जाएगा। एट लास्ट क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे लेफ्ट है और आपका जो यहाँ पे राइट है, मतलब आपका जो लोअर है और आपका जो हाई है, वो दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, तो आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो, आप यहाँ से लेफ्ट को भी रिटर्न करवा सकते हो, आप यहाँ से राइट को भी रिटर्न करा सकते हो, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स आपके एक ही उसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों केस यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुके हैं, सबमिट करते हैं। तो आई होप क्लियर होगा, ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो कि था फर्स्ट बैड वर्जन, ठीक है। आप यहाँ पे देखो टाइम इसने लिया है 16 मिलीसेकंड्स, बीट हमने किया है 96.8% को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।